मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? सुबह का टाइम हो गया और अभी 9:30 बज रहा है, तो हम अभी जगे हैं, बस चाय पी के ब्रश करके बाहर निकल गए। और मनीष जो है गाड़ी साफ कर रहा है, तो अभी चलना है हमको मौसी के पास, ठीक है? तो और मीका को देखिए, आप लोग सोच रहे जब हम दोनों यहाँ तो मीका कहाँ है, क्योंकि मम्मी खाना बना रही है। तो मीका को गाड़ी के अंदर लॉक कर दिया गया। अरे तो अभी हम गेहूँ उसको पूरा फैला के आए, क्योंकि मम्मी गेहूँ धोई थी तो उसको फैलाना था, धूप बहुत ज़्यादा निकल गया तो गेहूँ फैला दिए हैं। और अभी आया है कालीन वाला, जो आउटा में कालीन लिए थे ना, यहाँ पे बहुत आदमी को पसंद आया था तो उनको हम बुलाए थे, तो वो अभी आए हैं, तो उधर हम चलते हैं। तो अभी सिर्फ ऑर्डर लेंगे, वो लाए नहीं है, हम लोग का तो बन के आ गया था लेकिन वो ऑर्डर अभी दे रही हैं। तो अभी फटाफट हम नाश्ता वास्ता करेंगे और थोड़ा सा मार्केट का काम है, मार्केट का काम ख़त्म करके उसके बाद निकलेंगे मौसी के पास। मौसी के पास 2-3 घंटा रहेंगे, उसके बाद शाम में फिर आउटा। मम्मी तो बोल रही है आज यहीं रुक जाने के लिए, बाकी देखते हैं। और मेरे पास है मैटनो हेड सी, ये अभी मीका गाड़ी से निकाल लिया, कल पार्लर गए थे आईब्रो बनवाने के लिए, तो पूरा फेस में ना दाना दाना छोटा छोटा निकाल, ऐसे भी ठंडा में ना मैटनो हेड सी रात में सोने टाइम लगाने से थोड़ा सा अच्छा रहता है, फेस क्लीन क्लीन टाइप से रहेगा, तो एक ले लिए थे। तो अभी वो हम पॉकेट में रखे हुए थे, तो अभी जाते हैं इसको बैग में डाल देंगे, नहीं पता चला यहीं भूल गए। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद, तब तक मनीष अपना गाड़ी साफ कर लेता और मीका को ये संभालेगा, तब तक जो भी अपना काम होता है कंप्लीट कर लेते हैं। मीका कल दो दो बार वो मीटिंग कर दिया, क्या हुआ ना, एक मतलब पत्ता होता है सीज का, काटा काटा वाला पत्ता, उसको खांसी में अगर देने से तो उसको कम हो जाता था, इसको खांसी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा था और जो कि वहाँ मिल नहीं रहा था, तो कल रात में दिए और ये तुरंत वॉमिट कर दिया 2 बार। तो अभी तो थोड़ा रिलीफ लग रहा है, तो मम्मी सुबह में भी दी है और थोड़ा सा सोचे उसका पत्ता हम लेके चले जाते हैं। तो घरेलू उपाय भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बच्चे लोग को, ये बड़े लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो अब भी हम चलते हैं कालीन वाले के इधर, नहीं तो वो लोग सोचेंगे कि ये लोग बुलाए, खुद निकल गए यहाँ से। तो अभी हम चलते हैं उधर, फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। थोड़ा सा मीका को देख लेते हैं एक झलक, कैसा है मीका? मीका मेरा बच्चा, अरे अरे मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है, ये डांस कर रहा है अंदर, है ना? ठीक है चलते हैं, उठाओ जल्दी, उठाओ जल्दी, उठाओ, खड़े हो जाओ, अरे गंदा है बेटा, छी छोड़ो उसको, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, साफ करेंगी तरह मम्मा साफ करेगी, फिर मुंह में ले रहा हूँ गंदा लड़का। तो ये भैया कालीन वाले आ गए और बहुत सारा इनको ऑर्डर भी मिला था, मैं तो जो लेना था तो यहीं पे ले लिए थे, तो लेकिन इनको मतलब बहुत सारा बेचना था तो उनको वहाँ बुलाया गया, तो सारा कोई कालीन नहीं। कैसे हैं आप लोग? अब भी बज रहा है, टाइम हो रहा है 11:30 और ये हम डबल ट्रिप चाय ले रहे हैं। तो हुआ ऐसा कि कालीन वाले भैया जो आए थे बहुत दूर से, तो उसके लिए हम सोचे चाय बना देते हैं, कोई भी याद उसको खाना भी हम पूछे लेकिन वो बोला कि खाना खा गया है, तो ठंडा में उतना दूर से आया था तो चाय बनाए, तो चाय बन गया एक्स्ट्रा, तो इसलिए हम चाय पी रहे हैं अभी, और उसके बाद भी चाय पी के। और मनीष जाएगा हॉस्पिटल पापा को लाने के लिए, पापा जब आ जाएंगे तो हम लोग निकलेंगे मौसी के पास, उसके बाद वहाँ से हो सकता है तो डायरेक्ट चले जाएंगे घर, नहीं तो यहाँ आके फिर जाएंगे शाम में, बाकी देखते हैं अभी क्या होता है नहीं होता। और मीका चला, मीका को रेडी कर दिए और खांसी उसका बहुत ज़्यादा आराम है, लेकिन फिर भी नाक से पानी निकल ही रहा है, लेकिन पहले से आराम है। तो वो अभी बाहर, मम्मी बोली धूप टाइट था तो बोली उसको घुमाते हैं, तब तक तुम बेड उठ झाड़ लो, क्योंकि बेड उठ कुछ भी हम नहीं किए थे तो खाना खा लिए थे, तो कालीन वाला आया था तो वहीं पे खड़े रह गए थे, उसके बाद अभी आए फटाफट हम बेड झाड़े, नीचे पूरा साफ कर जो भी करना था हम कर दिए हैं। तो अभी हम चल रहे हैं नहाने के लिए, नहा के आते हैं तो फिर निकलेंगे, तब तक मनीष पापा को लेके आ जाएगा, पापा जब आ जाएंगे तो वो खाना वाना खा लेंगे तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। और हमको एक जगह से कुछ और काम है, अगर अभी ब्लॉग में नहीं बताएंगे, पहले हो जाएगा तो फिर बताएंगे, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं हम चाय पीते हैं, चाय पी के उसके बाद देखते हैं क्या होता है नहीं होता, जो भी होगा ब्लॉग में जरूर आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे। ये फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? अभी हम घर से बस निकल गए हैं और अभी हम इधर जा रहे हैं, तो मौसी के पास जो काम है वो काम करके थोड़ा देर वहाँ बैठेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे, तब फिर रूम पे आना है, रूम से आके उसके बाद तब जाएंगे आउटा, मतलब अपने घर, है ना? तो हो सकता है आज आगे जो भी है जामुन भी मिलेगा, क्योंकि हर हर महादेव चौक पे कुछ सुबह सुबह हो गया था, पता नहीं एक्सीडेंट हो गया क्या हुआ नहीं वो पता नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा नहीं होगा,
और मीका कितना शांत से बैठा हुआ है। इसको बाहर घूमने में बहुत मजा आता। गाड़ी का हॉर्न सुना नहीं ये कि इसका अपना शुरू हो गया। फ्री तो है रोड, तुम बोला जामुन है पूरा। कहाँ जाम, कहीं कुछ दिख रहा है? जिंदगी एक नई जंग है। मीका क्या किसी ले लो, बाहर पूरा धूप है और हमको गर्मी लग रहा है। मीका को जैकेट तक पहना दिए। कहाँ सामने ट्रक है, हमको नहीं दिख रहा यार। हाँ यार बहुत भयंकर हुआ है, एक्सीडेंट ही हुआ था। बड़ा बुरा लगता है देख के। सीधे जाम लगा हुआ है ये, और बड़ा वाला ट्रक है यार। पूरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। हम लोग अभी एनएस से नीचे आ गए हैं। कितना बढ़िया घर बन रहा है देख रहे हैं। व्हाइट वाला घर मौसी का यहाँ से दिख गया। वो नहीं है जो तुमको दिखा मेरा, वही है जो हमको दिखा। आखिर हमको क्यों नहीं दिखा, तुमको दिख गया। मेरे जैसा इंटेलिजेंट नहीं है ना। ऐसा ही है, अब यहाँ से फिर नहीं दिख रहा है। हमको यहाँ से दिख गया। नहीं देखा, ये सामने व्हाइट लाइट ये नहीं है, इसके बाद जो व्हाइट वाला मिलेगा ना। हमको दिख गया, देखो दिखा तुमको। अब दिखा हमको, वो जो दिखा ना बीच में व्हाइट वाला वो रहा। आगे आगे से करना टर। हाँ ये इकट्ठा है, सब देख रहे प्लॉटिंग कर करके। देखो ना उसको कितना छोटा जमीन है, इस छोटा जमीन देखो। गेट बंद है ठीक है। हॉर्न दे दो। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और इधर हम चल रही हैं अभी क्वार्टर की तरफ। और मैंने इसको भेज दिया था, हमको मार्केट से कुछ काम था, तो हम अभी ई रिक्शा से जा रहे हैं अपना रूम पे। तो फिर यहाँ जाके चाय वगैरह पी लेंगे, उसके बाद निकलेंगे रूम के लिए, मतलब क्वार्टर के लिए। तो गए थे अपने लिए सूट देखने के लिए, लेकिन पसंद नहीं आया, बोला कि जनवरी में आएगा, लास्ट जनवरी में। तो लौट के हम आ गए अभी मीका को लेके, बोले लेके जाओ। मैंने इसको बेल्ट उल्ट लगा दिया और गाड़ी से वो लेके चला गया। तो सोचे उसको किस लिए बुलाना, ई रिक्शा से मार्केट से आए ही थे, सोचे रूम पे भी ई रिक्शा से ही चले जाते हैं। तो अभी आए और ये रहा फर्क, अभी थोड़ा देर पहले इधर आए हुए थे फिर गए उधर। चलिए चलते हैं रूम पे। वो बोला था गेट पे आ जाएंगे, लेकिन इनको अंकल को बोले थे कि चलिए रूम के पास ही, तो किस लिए फालतू उसको लेके आना फिर जाना। अब बस आ ही गए रूम, बस बगल में है। A few moments later.
आप लोग, रात के बज रहे 10 और फाइनली हम घर अपने पहुंच गए। तो अब भी बस खाना तो खा के ही आए थे बीहड़ से। हुआ यूँ कि बेगूसराय से निकल रहे थे अपने यहाँ आने के लिए, तो राहुल भैया फ़ोन किया कि आ जाओ यहाँ अंडा बना रहे हैं। फिर हुआ कि नहीं जाएंगे, डायरेक्ट चले जाते हैं। फिर मनीष बोला कि चलो, उस दिन एक दिन और बुलाया था परसों तो नहीं जा पाए थे, तो आज गए उधर। तो अंडा करी बना, फिर खाए। तो मुझे लगता है कि निकलते निकलते 9:30 बज गया था, है ना? 9:30 बज गया था। तो घर आते थे 10 तो बजे गई। तो अभी आए, जस्ट ड्रेस चेंज किए और मीका को खाना खिलाए, दलिया, क्योंकि दलिया ले जाना भूल गए थे, सिर्फ दूध दूध पिला रहे थे। उसके बाद अभी दलिया उसको खिला दिया और सोने का तैयारी अब शुरू होगा। तो मीका यहाँ आ गया है दादू से मिल के। अदर तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को कर देते हैं इन, क्योंकि 10 बज गए, एडिटिंग करते करते डालते डालते 11 बज जाएगा। तो मिलते हैं आपसे कल नई सुबह, नई ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।